तो आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एक इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि पीसीसी और आरसीसी के बीच में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। ज़्यादातर इंजीनियर से इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि पीसीसी और आरसीसी में डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे हमको इस टाइप का आंसर नहीं देना है कि ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है और ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है। बट इससे और अच्छा एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और क्या एक्सप्लेनेशन होगा जानेंगे हम इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पीसीसी के। फुल फॉर्म सभी को पता है कि ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। बेसिकली आप लोगों ने पीसीसी कहाँ कहाँ होते हुए देखा है, सबसे पहले अगर हम वहाँ पे एक्सकवेशन करवाते हैं, एक्सकवेशन करवाने के बाद हम उस पर सैंड फिलिंग करवाने के बाद उस पर पीसीसी करते हैं, उसके ऊपर फिर आपके फुटिंग का सरिया रखाता है। अब यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पीसीसी होता है कि डायरेक्टली जो हमारा कॉन्क्रीट है या रेनफोर्समेंट है वो डायरेक्टली सॉइल के कॉन्टैक्ट में ना आए और एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करता है ये पीसीसी। तो आप ये देख पा रहे हो कि पीसीसी इज डन टू फॉर्म अ लेवल सरफेस by avoiding concrete being installed directly on the soil। क्योंकि अब सोचो कि excavation करवा रहा हूँ मैं और directly उस पर footing का सरिया रख के उस पर concreting नहीं करवा सकता मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि soil मेरे जाके concrete में उसको impure करे, वहाँ पर किसी भी तरह के vegetations हो सकते हैं जो future में जाके मेरे उस concrete को, जो footing का concrete है उसमें किसी तरह के cracks develop कर सकते हैं। तो इसीलिए एक protective layer की तरह, ताकि हमारा concrete directly soil के कांटेक्ट में ना आए। अब इसके और यूजेस के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे हो यहां पे कि ये फुटिंग कंक्रीट हुआ है, उसके ऊपर हमारा पेडेस्टल कॉलम गया है। यहां नीचे में आप देख पा रहे हो कि पीसीसी किया गया है। तो ये पीसीसी हम यही चीज अवॉइड करते हैं कि हमारा सॉइल डायरेक्टली कंक्रीट में जाके मिक्सअप ना हो। तो ये पीसीसी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, बेसिकली हम इसको 4 इंच से लेके 6 इंच तक का प्रोवाइड करते हैं, लगभग 100 mm से लेके 150 mm तक का। अब यहाँ पे बात करें कि इसके मिक्स रेशियोज की, तो जब भी आप लोग पीसीसी कराने जाते हैं, हो सकता है कोई कोई ड्राइंग्स में आपको ये स्पेसिफाइड हो कि पीसीसी आपको M15 करवाना है या M10 करवाना है, तो बेसिकली पीसीसी का जो रेंज होता है वो आप M10 से लेके M20 ये कितना भी करवा सकते हो, बट ज़्यादातर जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं रेशियो को वो M10 करते हैं या M15, और बहुत रेयर केसेस में M7.5 यूज करते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर ड्राइंग में नहीं भी दिया होगा कि पीसीसी का रेशियो क्या होना चाहिए, तो आप M10 या M15 का भी रेशियो यूज कर सकते हो पीसीसी के केस में। अब आरसीसी की बात करें, कंप्लीटली रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है। अब यहाँ होता क्या है कि यहाँ पे जो कंक्रीट होता है वो जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं उसमें हमारे टेंसाइल फोर्सेस और कंप्रेसिव दोनों ही लगते हैं। तो जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है बट टेंशन में वीक होता है, और हम स्टील का यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि कंक्रीट में हम लोग टेंशन जोन पे भी उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें। तो आरसीसी बेसिकली स्टेबल और ड्यूरेबल होने के कारण क्यों है वो, क्योंकि उसमें आप कंप्रेसिव एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों ही अचीव कर सकते हो आरसीसी के केस में। तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है बट टेंशन में वीक होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसमें स्टील का यूज करते हैं। अब स्टील ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्रैक होने से पहले इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम याद होगा तो आपको पता है कि फ्रैक्चर होने से पहले ये अपनी हाई यील्ड पॉइंट पे एक इंडिकेशन देता है कि हाँ मैं फ्रैक्चर होने वाला हूँ, इसीलिए टेंसाइल को यूज करते हैं, और डक्टाइल मटेरियल है उसके कारण भी हम स्टील का यूज करते हैं। अब इसके रेशियोज के बारे में बात करें तो हम आप लोगों ने देखा है कि M5 से लेके M20 तक के ही हमारे पास नॉमिनल मिक्सेस होते हैं। M25 का भी रेशियो हमको पता होता है 1:1:2, बट M25 आपका मिक्स डिजाइन में आ जाता है। बहुत लोगों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि सर M25 का तो रेशियो मेरे को पता है तो मैं डायरेक्टली 1:1:2 को यूज क्यों नहीं कर लूं, बट M25 भी हम अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स के अकॉर्डिंगली उसका भी मिक्स डिजाइन करते हैं। तो आप लोग जब भी आरसीसी करोगे तो मिनिमम रेशियो रिक्वायर्ड फॉर आरसीसी आपका M20 होता है। M20 से नीचे आप जाके आरसीसी वर्क नहीं कर सकते। कई कई बुक्स में M15 लिखा हुआ है
बट आरसीसी के लिए मिनिमम रेशियो आपका M20 होता है और M20 का रेशियो हमको गिवन होता है बट M25 से हमको डिजाइन मिक्स करना होता है। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था आज के इस वीडियो में कि पीसीसी और आरसीसी के बीच में डिफरेंस यही है। पीसीसी हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्क्रीट है या रेनफोर्समेंट है वो डायरेक्टली सॉइल के कॉन्टैक्ट में ना आए, प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करे। पीसीसी बेसिकली 4 इंच से लेके 6 इंच तक के प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो एग्रीगेट यूज करते हैं हम लोग, कोर्स एग्रीगेट, वो 40mm, 20mm और 10mm के होते हैं। आरसीसी बेसिकली रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट होता है। इसमें हम लोग रेनफोर्समेंट का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि कॉन्क्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है बट टेंशन में वीक होता है, और आरसीसी में जो हम लोग कोर्स एग्रीगेट्स यूज करते हैं वो 20mm और 10mm के होते हैं। तो ये चीज आप एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। आरसीसी जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, जैसे हो गया बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, ये सभी चीजों में हम आरसीसी यूज करते हैं। पीसीसी बेसिकली आप लोगों ने जब एक्सकवेशन के टाइम पे फुटिंग के पहले हम करते हैं, दूसरा हम लोग फ्लोरिंग पीसीसी के लिए यूज करते हैं, और भी कहीं पे भी टेम्पररी वर्क अगर हमको करना हो तो हम वहां पे पीसीसी का यूज कर सकते हैं। बेसिकली वर्क उसका वही है, डायरेक्टली सॉइल के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देना हमारे मेन आरसीसी मेंबर के कॉन्क्रीट को। तो आई होप इंजीनियर्स, ये पीसीसी और आरसीसी अगर आपसे कभी पूछा जाए इंटरव्यू में तो आप इसी तरह से टेक्निकली आंसर प्रोवाइड करेंगे। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।